आज आप लोगों के लिए बना रहे हैं एक बहुत ही लाइट और जबरदस्त सा डिजर्ट जो कि आप इफ्तारी में खा सकते हैं, क्योंकि समोसे अगर खाने के बाद कोई हल्का सा मीठा होना चाहिए। तो इसका नाम है फ्रूट परफेट। इसके लिए आपको चाहिए क्रीम चीज जो आपको डब्बों में मिलती है, बॉटल की प्लीज मत इस्तेमाल कीजिएगा, उसमें नमक होता है, स्वीटेंड कंडेंस्ड मिल्क बीच में जाएगा, पाइनएप्पल का जूस डालेंगे, दही 10 थिक ग्रीक योगर्ट, वनीला का एसेंस जाएगा, और जो इसकी हमने बीच में फिलिंग करनी है उसके साथ में आप डालेंगे पाइनएप्पल के टिटबिट्स, छोटे छोटे आपको बिट्स मिल जाते हैं चंक्स, आप उसको भी काट करके थोड़ा सा छोटा और कर लीजिएगा। चेरी जाएंगी 10 ग्लेज्ड, कॉर्नफ्लेक्स, सीरियल कोई भी आप अपनी पसंद का इस्तेमाल कर सकते हैं, मैं कॉर्नफ्लेक्स इस्तेमाल कर रही हूँ, हाथों से मैंने से इसको यूं क्रश कर लिया हुआ है। आप इसमें गनोला डाल लें, म्यूजली डाल लें, बच्चों को कोको पॉप्स पसंद है, बहुत सी ब्रांड्स हैं, आप कुछ भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये हो गया कॉर्नफ्लेक्स, बीच में जाएगा डेसिकेटेड कोकोनट यानी कि खोपरे का बुरादा, और आमंड फ्लेक्स यानी कि जो आमंड्स आपको पैकेट में मिलते हैं यू फाइनली उन्होंने स्लाइस किए होते हैं। तो ये चीज़ें हो गई तमाम इसकी। ये बहुत ही ज़्यादा चिल्ड सर्व किया जाता है फ्रिज में रखकर, आपको दिखाते हैं इसको बनाना। उसमें आप डालेंगे सबसे पहले जो कि क्रीम चीज है, बहुत ही जल्दी बन जाने वाली डिजर्ट है ये, और बीच में चला गया मीठा कंडेंस्ड मिल्क, और इसमें डालेंगे वनीला का एसेंस, दही जाएगा बीच में, ये गाढ़ा दही है 10 थिक ग्रीक योगर्ट, पतला वाला नहीं है, और साथ में डालेंगे पाइनएप्पल का जूस, और तमाम चीज़ों को अच्छी तरह ब्लेंड करें जब तक कि बिल्कुल कंबाइन हो जाए। तो देख लें परफेक्टली ये कंबाइन हो चुका हुआ है। उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप है वो है कॉर्नफ्लेक्स, इसमें आप ये बादाम डालेंगे, कोकोनट चला गया, और इसको पहले अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। देखिए अब आपने करना क्या है, आप इसको बना करके फ्रिज में रखते हैं और इसको आप सर्व करते हैं, क्योंकि मैंने आपके सामने से डिश आउट करना है। तो ये जो मिक्सचर है यहाँ पर कॉर्नफ्लावर वगैरह का, ये मैं भी आपके सामने कॉर्नफ्लेक्स का और बादाम और डेसिकेटेड कोकोनट का जो है वो मुझे अभी डालना है, क्योंकि मैंने आपको इसकी डिश आउट करते हुए दिखाना है, वरना आप ये तमाम चीज़ें जो मैं अब करूँगी आप करेंगे और उसके बाद जब आपने सर्व करना होगा तब आप इसके ऊपर कॉर्नफ्लेक्स वगैरह का मिक्सचर डालेंगे। तो सबसे पहले जिस भी डिश में आप सर्व कर रहे हैं आप इसको एक बड़े प्लेटर में भी बना सकते हैं, यानी कि सर्विंग स्वीट डिश का जो होता है, तो मैं छोटे वाले इस्तेमाल कर रही हूँ। यहाँ पे आइसक्रीम के कप्स हैं, इसमें आप थोड़ा थोड़ा पहले ये डालते हैं, उसके बाद बीच में आप डालेंगे पाइनएप्पल के चंक्स। देखिए अगर आपको फ्रूट कोई और इस्तेमाल करना है आप बेशक कीजिएगा, कोई इसमें इशू नहीं कि आपने वही फ्रूट डालना जो मैं आपको दिखा रही हूँ यहाँ पर। तो ये चला गया पाइनएप्पल, इसमें आप डालेंगे ग्लेज्ड चेरीज, और उसके बाद दोबारा ये मिक्सचर आप इसके ऊपर डालेंगे, और कॉर्नफ्लेक्स वगैरह का जो हमने यहाँ पे मिक्सचर बना रखा है ये आप इस पर यूं लगाते हैं, और फिर आप इसको डिश आउट करते हैं, सर्व करते हैं। लेकिन मैं आपको बार बार रिपीट कर रही हूँ, कॉर्नफ्लेक्स की क्रंच वगैरह के लिए आप ये तभी डालेंगे जब आप इसको सर्व करेंगे, वरना उससे पहले आप तमाम यूं कप्स छोटे जो ग्लासेस होते हैं उसमें डाल करके बना लें और फ्रिज में रख लें, और जब आपने सर्व करना है ऊपर आप ये चीज़ें डालेंगे, और इसको फिर जो है हम यहाँ पर थोड़ा सा गार्निश कर लेते हैं। और इसे डिश आउट कर लेते हैं। तो इस तरीके से आप इसे बनाते हैं, सर्व करते हैं, बहुत ही लाइट बनता है और बहुत ही ज़बरदस्त फ्रूट, ये वो आप अपनी चॉइस की डाल सकते हैं। कंप्लीट रिटन रेसिपी के लिए आप जाएंगे मेरी वेबसाइट पर विच इज कुक विद फाइजा.net पर, ज़रूर बनाइए। ताको कैसा लगा दुआ में याद रखें, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।